नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से टू फेयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर चार्ज्ड एंड ज्वाइन बाय अ वायर सवाल ये रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द द्वेयर्स क्या होएगा ये हमें बताना है हमारे uh, चार ऑप्शन दिए हुए हैं नाउ बहुत सिंपल सवाल है आ, पर अगेन यहाँ पे आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए सो so, मान लीजिए एक स्फेयर ये है जिसका रेडियस है ए और इसके ऊपर चार्ज क्यू है दूसरा स्फेयर है जिसका रेडियस है आपका बी और लेट्स से इसके ऊपर चार्ज क्यू है अब हमने क्या किया कि इन दोनों को ज्वाइन कर दिया सो so, इन दोनों को जब ज्वाइन किया तो चार्ज थोड़ा सा यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ फ्लो करके आएगा और उस केस में जो आपका फाइनल चार्ज उसको Q1 Q2 कह देते हैं जो फाइनल चार्ज होएगा उसकी वजह से दोनों का पोटेंशियल बराबर होएगा सो so, आपका वी ए विल बी इक्वल टू वी बी ना इसका अगर हम पोटेंशियल लिखेंगे तो इसका पोटेंशियल लिखा जाएगा के क्यू वन डिवाइडेड बाय ए विल बी इक्वल टू के क्यू टू डिवाइड बाई बी विच एम्प्लाइज़ अगर हम केक uh, कैंसिल कर दें सो क्यू वन और क्यू टू का जो रेशो आएगा आ, वो आएगा क्यू वन डिवाइड बाई क्यू टू विल बी इक्वल टू ए बाई बी तो ये हम कहते हैं कि आपका चार्जिस uh, का रेशो उनके रेडियस uh, के रेशो में हो जाएगा नाउ हमें यहाँ पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो ऑन द सरफेस क्या होएगा सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं उसको हम लिखते हैं के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ऑन द सरफेस यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सो so, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो लें so हम कह सकते हैं ई वन डिवाइडेड बाई ई टू विल बी इक्वल टू के क्यू वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय के क्यू टू डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर सो इसकी वैल्यू हो गई ये हो गया क्यू वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू टू ना के वन के टू का रेशियो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि विल बी इक्वल टू ए बाय बी सो ये अपनी वैल्यू हो गई बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए बाय बी विच एम्प्लाइज ई वन ई टू का जो रेशो आया एक बी से बी और ए से ए कैंसिल हो जाएगा विल बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी बी बाय ए वुड बी द राइट आंसर